हायर पर्पज के लिए लोअर पर्पज को छोड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोले पुंडलिक थे जिन्होंने विठल नाथ जी का विग्रह प्रकट कर दिया अपने मां बाप की सेवा के लिए, यानी माता पिता की सेवा ऊपर है, अगर कोई अपने माता पिता की सेवा छोड़ देता है तो वो महापापी व्यक्ति है। तो ऐसी बात है, तो माता पिता की सेवा छोड़ देता है तो जितने ब्रह्मचारी सब पापी हैं, क्यों मंदिर माता पिता की सेवा छोड़कर आ गए। तो एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, बोले उनसे अगर किसी ने कहा, बोले कि आप लोग भक्तों को अपने मंदिर में रख लेते हैं, है ना, ये कोई तरीका है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने माता पिता की सेवा करना। तो उन्होंने कहा अच्छा आपसे प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई अपने उसके पिता हैं एक बच्चे के और पिता उसके दादा का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो क्या करेंगे। तो व्यक्ति बोला कि बच्चा दादा का ख्याल रख लेकर पिता नहीं रख रहा, कह रहे पिता शराबी हो गया, मतवाला हो गया और वो जो है अपने दादा की ख्याल नहीं रख रहा है, तो नाती का क्या कर्तव्य है, पोता नाती जो भी कहें, ग्रैंडसन का क्या कर्तव्य है अपने दादा का ख्याल रखना। कह रहे एक बार बताओ कि आप जो हैं क्या आप सुप्रीम फादर कृष्ण परम पिता कृष्ण का ख्याल रख रहे हैं। कह मैं क्यों रखूंगा, कह रहे तो कोई तो रखेगा घर के अंदर। तो सच बात यह है कि भगवान परम पिता है, अगर पिता परम पिता यानी दादा का ख्याल नहीं रख रहा तो किसी ना किसी संतान को तो रखना पड़ेगा, तो अगर वो रख रहा है संतान का ख्याल तो वो पाप नहीं है। यानी हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस को रिजेक्ट किया जा सकता है। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, पुंडलिक को भगवान मिल गए थे माता पिता की सेवा करते हुए, लेकिन ये नहीं है कि जिसने छोड़ दिया उसको पाप लेगा। लेकिन उसका छोड़ना किस लिए होना चाहिए, लड़की के साथ भागने के लिए किस लिए होना चाहिए उसका छोड़ना, उसका छोड़ना कि मुझे हायर नौकरी मिल रही है मैं अमेरिका चला जाऊंगा माँ बाप को छोड़कर, किस लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो छोड़ रहा है उसको कोई पाप नहीं लगता, बल्कि इसे कहते हैं वो व्यक्ति जिसने अपने भगवान के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है उसका पूरा परिवार मुक्त हो भगवत धाम चला जाता है। लेकिन छोड़ने वाला भी तो भगवान के लिए, निरंतर भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरह से इमोशंस विद डिवोशन होने चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.